Daddy's going to gym, Baba. I'll see you when I get back. रबिया गाड़ी चलाना सीख रही है, जिसकी वजह से गाड़ी पे एल प्लेट लगी हुई है। अगर मैं एल प्लेट के साथ ही गाड़ी लेके निकल गया, जो कि मैं बहुत दफ़ा करता हूँ कि वो ड्राइव करके आती है और मैं गाड़ी लेके निकल जाता हूँ और एल प्लेट लगी होती है, तो इस पे मुझे फ़ाइन पड़ सकता है। तो बेटर है कि इसको उतार लें। वेलकम बैक टू थर्सडे व्लॉग। थर्सडे यूजुअली मेरा डे ऑफ होता है, तो मैं कुछ प्लान करता हूँ कि यार मैं उस दिन कुछ ना कुछ करके अपना एक ना एक व्लॉग अपलोड करता रहूँ। हाथी पालते हैं ना तो दरवाजे भी बड़े करने पड़ते हैं, और अगर आप पाकिस्तान में देखो तो पाकिस्तान की ज़िंदगी जो है ना, वो एज़ कम्पेयर टू लिविंग ओवरसीज एनी वेयर इन वेस्टर्न कंट्रीज़, इट्स टोटली डिफरेंट। लोगों को लगता है बड़ी मज़े की लाइफ है, बड़ी आसान लाइफ है, ये तुम्हारी भूल है। पाकिस्तान में मैं देख रहा था, क्योंकि मैं खुद जिस टाइप का व्लॉग बनाने वाला होता हूँ, मैं उससे पहले उस तरीके के व्लॉग्स भी देखता हूँ कि व्हाट पीपल आर अबाउट डूइंग। मैं देख रहा था यार, जिसके पास पाकिस्तान में फॉर्च्यूनर गाड़ी है ना, उसके पास एक अदद गार्ड आपको मिलेगा, एक अदद ड्राइवर मिलेगा, गाड़ियाँ चमचमा रही होती हैं। हम यहाँ पे देसी जो रह रहे होते हैं बाहर, उनकी ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल है भाई, हम वो लग्जरीज अफोर्ड नहीं कर सकते। कहने का मतलब मेरा ये है कि भाई यहाँ पे जो है ना, वो गाड़ी अफोर्ड करना भी मुश्किल है और उसके बाद उसको मेंटेन करना भी मुश्किल है। मतलब पाकिस्तान में आपके भाई ड्राइवर होगा, ड्राइवर की ड्यूटी होगी कि रोज़ सुबह उठ के आपकी गाड़ी साफ़ करे, तो क्योंकि यहाँ पे एक एक काम आपको खुद करना पड़ता है। देर इज़ नो वे कि यहाँ पे अनलेस यू आर मल्टी मिलियनेयर और मल्टी बिलियनेयर, जो कि अभी तक हम नहीं है, हम यहाँ पे अपना ड्राइवर अफोर्ड कर सकें जो मरी आके गाड़ी वॉश करे। सारे धंधे जो हैं खुद ही करने पड़ते हैं। वही मैं सोच रहा था कि यार पाकिस्तान की लाइफ कितनी मज़े की है अगर कंपेयर किया जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नो ना शुक्राबंद। तो चलेंगे आज अपनी गाड़ी को खुद वॉश करेंगे और आपको भी दिखाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि हाल बुरा है गाड़ी का इस वक्त। अब जा रहे हैं लोकल कार शॉप पे, वहाँ से जाके जो भी मुझे क्लीनिंग का सामान चाहिए वो लेके आएंगे और फिर जाएंगे डिटेल क्लीनिंग प्रोसेस के अंदर। साथ साथ कंपनी की मशहूरी के लिए ये भी बताता चलूँ कि अगर आप अपनी गाड़ी की क्लीनिंग प्रोडक्ट्स ढूंढ रहे हैं तो शेल लीटन पे इस वक्त बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त प्राइजेस के ऊपर ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। शेल लीटन इज़ द प्लेस यू वांट टू परचेज योर क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, ओके। और मैं आज की क्लीनिंग के लिए अपने रयोबी 2000 PSI प्रेशर वॉशर का इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान कर देगा वो एक्स्ट्रा ग्रिम और डस्ट हटाने के लिए।
और इस तरह से मेरा एक छुट्टी का दिन ख़त्म हो गया। यह था मेरा आज का ब्लॉग। मेरे साथ ही रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप देख सकें, इंजॉय कर सकें। मिलते हैं एक नई वीडियो में। साइनिंग आउट ऑरन के ब्लॉग्स।